नमस्कार फ्रेंड्स, आज 2023 का पहला वर्किंग डे था और आज शुरुआत ही जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक धमाकेदार जजमेंट से की है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये जजमेंट आया है जिसपे हजारों लाखों लोग नजरें जमाए बैठे थे, आस लगाए बैठे थे। भारत सरकार की खास नजर थी इस जजमेंट पे क्योंकि ये जजमेंट है 2016 के डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण को लेकर के, जिसके खिलाफ ढेर सारी पेटिशन्स टली हुई थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो फैसला था भारत सरकार का, आरबीआई का, ये गैर कानूनी फैसला था। और इन्हीं पेटिशन्स पे आज जॉइंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपना मत दे दिया है, अपना जजमेंट दे दिया है। और पांच जजेस की बेंच थी जिसमें से चार जजेस का ये मानना है कि ये जो ऑर्डर था डीमोनेटाइजेशन का, ये जो फैसला था, ये गैर कानूनी नहीं था और भारत सरकार के फैसले को सही करार देते हुए अपहोल्ड किया गया है। तो ये जो बेंच थी हेडेड बाय जस्टिस गवई, तो जस्टिस गवई का बेसिकली दोस्तों इसमें ये कहना था कि जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उन्हें रिवर्स पैक करना, उन्हें पलट देना पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा और इसलिए इसको नहीं पलटा जाना चाहिए। हालांकि जो एक डिसेंडिंग जज थी जस्टिस नागरत्ना, उनका ये मानना था कि ये जो फैसला लिया गया ये कानूनी तरीके से नहीं लिया गया, इसको लेजिस्लेशन पास करके, कानून के दायरे में रख करके कानूनी तरीके से किया जाना चाहिए था इस फैसले को, जबकि गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू इस फैसले को लिया जाना ठीक नहीं था, गैर कानूनी था। हालांकि 4:5 जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट आया है इसमें यही है कि क्योंकि इकोनॉमिक फैसलों को पलट देना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, इसलिए इस भारत सरकार के फैसले को सही ठहराया गया है। इनफैक्ट इसमें आरबीआई का जो सेक्शन 26(2) है उसको भी चैलेंज किया गया था और उसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सिर्फ एक सीरीज ऑफ नंबर्स जो हैं करेंसी के, वही नहीं एंटायर सीरीज को भी आरबीआई के पास पावर है कि वो बैन कर दे या इनवैलिड करार दे दे या उसको ख़त्म कर दे, और नई सीरीज लाने की भी पावर है। और सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस आरबीआई एक्ट के तहत इसमें इनबिल्ट खुद ही इतनी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन 26(2) पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, इसको बैन करने की या रिपील करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है और ये जो सेक्शन 26(2) है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो जो बहुत लाखों लोग इस पे आस लगाए बैठे थे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ आ सकता है और शायद अभी भी उन्हें उम्मीद थी इस बाकायदा इस लॉ के 6 साल बाद भी लोगों को उम्मीद थी कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, और जो उस समय में छोटे कारोबारियों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई थी, कामकाज ध्वस्त हुआ था, शायद उसमें कुछ बेहतरी हो सके। लेकिन ऑब्वियसली 6 सालों में बहुत चीज़ें बदल गई हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है कि ऐसे डिसीजंस को पलट देना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इसे पलटा नहीं जा सकता। तो ये था साल का पहला जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।